आप लोग किसी मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर ब्लेम भी लगा सकते हैं जीवन साथी के साथ सहजती रहेगी साथ ही विद्यार्थी की बात की तो क्रिएटिविटी या आर्ट में या लिखावट में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा इस पर काफ़ी अच्छे से काम करते नजर आएंगे कार्य क्षेत्र में कोई भावुक क्षण देख सकते हैं या किसी कारणवश भावुक हो सकते हैं मन थोड़ा भटकाव की स्थिति में रह सकते हैं कोई चीज़ या कोई मूवमेंट है या कुछ इस प्रकार की स्थिति है जो आप मिस करते नजर आ सकते हैं व्यवसाय में आइडिया सफल रहेंगे साथ ही रियल स्टेट में कुछ प्रैक्टिकली होकर निर्णय लेंगे बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी साथ ही उसके लिए काफ़ी अतः मेहनत करेंगे स्वास्थ्य में बात करें तो मन बेचैन रह सकता है।, सपोर्ट की बात करेंगे, है, है आपकी असमर्था भी हो सकती है जो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाएंगे जिसकी वजह से आपके पार्टनर आप पर क्रोधित हो सकते हैं जीवन साथी को खुश रखने का हर संभव प्रयास करेंगे विद्यार्थी न मन से ही ना ही किसी के सपोर्ट से मोटिवेट महसूस करेंगे पढ़ाई के प्रति पूरी तरीके से विरक्त या कह सकते हैं उच्चाट रह सकते हैं कार्यक्षेत्र में काम में सुस्ती कह सकते हैं सुस्ती देखने को मिल सकती है साथ ही कुछ अस्थिरता का माहौल आपको देखने को मिल सकता है आप व्यवसाय की बात करें तो आपकी सूझबूझ कहीं ना कहीं आपकी उल्टा पड़ सकती है या आपको विपरीत परिणाम दे सकती है जिसकी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या ऑफर मिस कर सकते हैं स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो मानसिक स्तर पर थोड़ा सा स्थिर रह सकते हैं कुछ अशांत भी रह सकते हैं भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे बासठ प्रतिशत है भाग्य अंक आपका छः है तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं तो परिवार को कोई सलाह या सजेशन दे सकते हैं साथ ही उनके सुझाए कुछ तरीकों पर भी कुछ कमी निकाल सकते हैं इसके अलावा अपनी भीतर किसी बात को लेकर एक शंका भी देखी जा सकती है प्रेम संबंध में पार्टनर को किसी अन्य यात्रा के लिए कन्विंस करने का प्रयास करेंगे उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे जीवन साथी के कारण कुछ परिवार से सवाल जवाब कर सकते हैं विद्यार्थी उच्च शिक्षा में कुछ खास ऑफर देखने को नहीं पाएंगे कई प्रयास करने के बावजूद भी कुछ परिवर्तन को परिवर्तन को देखने को मिल सकते हैं कुछ एडजस्टमेंट के लिए भी उनको कहा जा सकता है इसके अलावा कुछ पूर्व परिणाम के कमी के चलते भी ऐसा देखा जा सकता है कार्य क्षेत्र में मन बोझिल रहेगा साथ ही आपके परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमज़ोर भी रह सकता है

चलित रह सकता है या कुछ भय मन में ग्रस्त म, बन जो से ग्रस्त रह सकता है भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे चौसठ प्रतिशत भाग्यंक आपका साथ है पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं तो परिवार से कुछ अलगाव की स्थिति बन सकती है प्रेम संबंध में दृढ़ संकल्प रहेंगे साथ ही परिस्थिति कुछ भी हो आप अपने स्टैंड से बिल्कुल भी हिलना पसंद नहीं करेंगे पूरी तरीके से तत्पर नजर आएंगे अपने पार्टनर के प्रति जीवन साथी आपके किसी भी मनोभाव से अनभिघ रह सकते हैं विद्यार्थी मेहनत के प्रति गंभीर रहेंगे साथ ही कोई परामर्श बहुत गंभीरता से लेंगे कार्य क्षेत्र में मानसिक स्तर पर आप कह सकते हैं कि अपने आप को मजबूत बनाए रखें क्योंकि कहीं ना कहीं आप कोई बात अपने अहम पर ले सकते हैं व्यवसाय में ठहराव बना के रखना होगा कहीं ना कहीं कुछ

गति आपको देखने को नहीं मिल पाएगी जीवन साथी किसी धार्मिक गतिविधि में दिलचस्पी जरूर दिखा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपके उनके परिवार से कुछ सपोर्ट देख, आ, में कमी देखने को मिल सकती है विद्यार्थी हर तरफ से निराश नजर आएंगे हताश नजर आ सकती हैं किसी मित्र के कारण कुछ नुकसान भी उठा सकते हैं अपनी संगति पर विशेष ध्यान रखें इसके अलावा कार्य क्षेत्र में कोई गलती बार बार दोहराने की वजह से आपके प्रति लोगों के विश्वास में कमी देखी जा सकती है कुछ नुकसान भी उठाने को मिल सकता है इसके अलावा व्यवसाय में बड़ी बड़ी कल्पनाओं में रहेंगे कुछ प्लानिंग भी करते नजर आ रहे हैं लेकिन निवेश से पीछे भी हटते नजर आ सकते हैं स्वास्थ्य में मन भाव में एक ठहराव की कमी देखी जा सकती है भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे पैंसठ है भाग्य अंक आपका छः है साथियों राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं तो परिस्थिति को विकट समझने की गलती कर सकते हैं कोई भी मैटर शांत भाव से भी हल किया जा सकता है ये बात आपको समझनी होगी प्रेम संबंध में अपेक्षित रिस्पांस ना मिलने की वजह से मन उचाट रह सकता है जीवन साथी अचानक कोई लाभ देख सकते हैं या कोई इच्छा पूरी हो सकती है विद्यार्थी भविष्य को लेकर शंकित व चिंतित रह सकते हैं और कार्यचित्र की यदि हम बात करें तो मन मजबूत करके चलेंगे कोई रिस्क भी ले सकते हैं साथ ही अचानक कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है व्यवसाय में अगला कदम सोच समझ के रखें

परिणाम में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं पाएंगे मन अशांत रह सकता है कार्य क्षेत्र में शुरुआत में कुछ अव्यवस्थित रह सकते हैं लेकिन धीरे धीरे अपनी स्थिति को संभालते नजर आएंगे उसमें सक्षम रहेंगे व्यवसाय में रियल स्टेट में कुछ उछाल आपको देखने को मिलेगा लेकिन शेयर मार्केट में कुछ परिवर्तन के बाद गिरावट देखने को मिल सकती है स्वास्थ्य में हम बात करें तो कुछ परिणाम न मिलने की वजह से आपके भीतर चिड़चड़ापन देखा जा सकता है भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे छठ प्रतिशत भाग्य अंक आपका नौ है नौवी राशि धनु राशि के बारे में जान जाले

गिरावट महसूस कर सकते हैं या अस्थिर रह सकते हैं इसके अलावा कुछ काम में रुकावट भी आपको देखने को मिल सकती है व्यवसाय में आपका एफर्ट के साथ साथ भाग्य का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा कुछ बेहतर परिणाम आप अपेक्षा कर सकते हैं इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करें तो मन अस्थिर रह सकते हैं बिना बात के कोई शंका की स्थिति देखी जा सकती है भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे उनसठ प्रतिशत भाग्य अंक आपका एक है दसवीं राशि में राशि के बारे में जान लेते हैं तो परिवार में विवाह की चर्चा में माता पिता डोमिनेटिंग रहेंगे और आप लोग के बीच में इसी बात को लेकर संघर्ष देखा जा सकता है प्रेम संबंध में कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी काफी प्रयास करने के बावजूद भी जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा आज शक्ति देखने को मिल सकती है विद्यार्थी किसी बदलाव का विरोध कर सकते हैं या नेगेटिवली ले सकते हैं कार्य क्षेत्र में एनर्जी काफी लो रह सकती है साथ ही कोई अवरोध भी देख सकते हैं व्यवसाय में अपेक्षित परिणाम या लाभ तो नहीं देख पाएंगे साथ ही कुछ आपकी जो प्रोग्रेस है वो भी काफी स्लो रह

जिम साथी किसी खर्चे को लेकर अपसेट रह सकते हैं विद्यार्थी अपनी मर्जी से ही चलेंगे साथ ही किसी की सुनना नहीं पसंद करेंगे और अपना ही मर्जी से निर्णय लेंगे कार्य क्षेत्र में काम के प्रति समर्पित नजर आएंगे साथ ही कुछ रिजर्व भी रह सकते हैं अपने काम को लेकर व्यवसाय में सरकारी क्षेत्र से कुछ अवरोध देख सकते हैं कुछ समय लग सकता है कुछ विलंब लग सकता है स्वास्थ्य में कफ की या पित्त की समस्या देखने को मिल सकती है भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे भाग्य अंक आपका है राशि राशि मीन के बारे में जानेंगे तो कोई यात्रा शारीरिक संदर्भ अगर देखे जाए तो काफी थकावट भरी रह सकती है कुछ कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी देखी जा सकती है प्रेम संबंध में पार्टनर का सहयोग व केयर दोनों देखने को मिल सकती है जीवन साथी नेगेटिव सोच से ग्रस्त रहेंगे साथ ही कोई तनाव या झगड़ा देखने को मिल सकता है विद्यार्थी आप आज कुछ गंभीरता दिखा सकते हैं कार्यक्षेत्र में आप की हिम्मत साहस आज काम आएगी साथ ही आपको ईगो की समस्या भी आपके ही संतोष करना पड़ सकता है। में, आप माता, अमन से कुछ मन में कुछ कर सकते हैं साथ ही माता के साथ भी कुछ आप संबंध की गिरावट की वजह से भी कुछ टेंस नजर आ सकते हैं एनजाइटी देखी जा सकती है भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे पैंसठ प्रतिशत भाग्य अंक आपका नौ है दर्शकों आपके जो भी प्रश्न सजेशन या राय आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें हरे कृष्णा